हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। होली आने वाली है और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को और आपके पूरे परिवार को। रोहित राज क्रिएशन की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। होली के अवसर पर हम लोग डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है आप तक शेयर करते हैं। तो अभी हमने जो है यहाँ पे होली का पोस्टर तैयार किया है, और होली का पोस्टर कैसे बनाते हैं कोरल ड्रा के अंदर आज सीखने वाले हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से तो होली का पोस्टर तैयार किया गया है। तो इस तरह का पोस्टर आप कैसे बनाएंगे जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको जरूर समझ आ जाएगा कि कैसे बनाते हैं। तो ये फ्लैक्स में भी आप एकदम HD क्वालिटी में है, आप इसका रेजोल्यूशन देख सकते हैं, एकदम HD क्वालिटी में आपको ये मिल जाएगा। और उसके बाद में जो भी इफेक्ट इसमें लगाए गए हैं, जो भी वेक्टर्स यूज किए गए हैं, वन बाय वन हम एक एक बताने वाले हैं। तो आप उसको ध्यान से देखिए और जरूर आपको समझ में आएगा। अगर आप कोरल ड्रा पे काम करते हैं तो आप जरूर समझ पाएंगे। जो नहीं करते हैं, करना चाहते हैं, उनको भी धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि कैसे डिजाइन बनाया जाता है। तो चलिए सुबह से शुरू करते हैं। तो पोस्टर बनाने से पहले साइज, आपको कौन से साइज में आपको पोस्टर बनाना है, सॉरी साइज लेने के लिए आपको यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद में आपको ऊपर प्रॉपर्टी में इसका साइज दिख जाता है। तो साइज आपको इंचेस में या फिर फीट में लेना होता है, तो आप इंचेस में पहले साइज ले लीजिए, क्योंकि फीट में ज़्यादा हैवी हो जाती है फाइल, ठीक है? तो ज़्यादातर इंचेस में हम लोग बनाते हैं, और जब फिट वाला बनाना होता है फ्लैक्स वगैरह तो हम फिट में भी बनाते हैं। तो अभी हम छोटे साइज में इसको बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी फाइल हम नहीं बनाएंगे, 5 बाई 7 इसका इंच में इसको कर लेते हैं। तो हम विड्थ रखेंगे 5 और नीचे वाला जो है हाइट रखेंगे हम 7, ठीक है? 5 बाई 7 का यहाँ हमने एक साइज ले लिया है, और इसी साइज के अंदर हम ये सारे सेट करेंगे। इसका जो साइज है यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ साइज इसका बड़ा है, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे शिफ्ट की सहायता से, और उसके बाद में 1 बाय 1 इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। अभी ये खाली है, इसमें कोई भी कलर नहीं है, कलर यहाँ से आप फिल करेंगे। अगर बनाना है तो आपको यहाँ पे कलर इसको बना लेना है। कलर बनाने के लिए आपको इंटरेक्टिव फिल टूल पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको ड्रैग कर देना है इस तरह से, ठीक है? और जितने मर्जी चाहे कलर आप बना सकते हैं, लेकिन हमने ये वाला जो पीछे का बैकग्राउंड है ये हमने इंटरनेट से लिया था, यानी गूगल के पास सब कुछ है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मैनुअल बनाना चाहते हैं तो इस पर आप बना सकते हैं इंटरेक्टिव फोल्ड फिल टूल की मदद से। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा, और उस बॉक्स के अंदर आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है? देखिए रेड कलर फिल हो गया, और इसी तरह से यहाँ भी हम डबल क्लिक करेंगे, सब पिंक कलर हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, ये वाला ग्रीन, ठीक है? तो ये ग्रीन हो गया, और इसी तरह से कितने भी बॉक्स आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर कलर को फिल कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला हूँ, आपको बताया कि कलर कैसे आप बना सकते हैं ग्रेडिंग, ठीक है? तो यहाँ पे हम सिंपल कलर अभी यहाँ पे व्हाइट रखेंगे, और यही वाला बैकग्राउंड हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस बैकग्राउंड का हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं लेफ्ट क्लिक करके, या फिर आप प्लस की सहायता से कीबोर्ड में इसको लेफ्ट प्लस की सहायता से भी आप इसका डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसी बैकग्राउंड पे हम सेट करेंगे, और इस बैकग्राउंड को हम इसके अंदर 5 बाई 7 हमने साइज लिया था इसके अंदर फिल कर लेते हैं, और यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे नीचे, और यहाँ से इसको इधर इस तरह से, ठीक है? हो गया, बैकग्राउंड भी है। और उसके बाद में आपको हिंदी टाइपिंग अगर आती है तो आप हिंदी या फिर आप डायरेक्ट यूनिकोड में लिख करके आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। गूगल सारी सुविधाएं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन हैं तो आपको जरूर थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आपको जरूर आनी चाहिए, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हम लिख करके नहीं बताने वाले हैं, यही सब मैटर हम यहाँ पे सेट करेंगे। और कुछ कमांड्स हैं जो आपको
यूजफुल हो सकती है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ऑलरेडी हमने जो भी इफेक्ट हमने लगाया है उसकी एक वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो ज़रूर समझ आ जाएगा आपको। उसके बाद में धीरे धीरे सारे वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका डुप्लीकेट ला करके इस तरह से, और या तो हम प्लस की सहायता से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। हमने प्लस प्रेस कर दिया और इसका हो गया डुप्लीकेट। इस तरह से कंट्रोल जेड करके हम इसको राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है, डुप्लीकेट जो है उसको हम तो ये दोनों यहाँ पे हो गया। और ये वाला जो इमेज है आप देख सकते आ गया है, तो ये भी सिंपल सा है। हमने गूगल से एक इमेज लिया था जो कि इस तरह से है, अभी इसका ओरिजिनल जो है आपको दिखाई देगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, इंटरेक्टिव फिल टूल होता है, सॉरी ट्रांसपेरेंसी फिल टूल होता है, और ट्रांसपेरेंसी फिल टूल को हम यहाँ पे ये देखिए इस तरह से फिल करते हैं, ठीक है। से जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इधर का एरिया गायब हो गया है, ठीक है, इस तरह देखिए गायब हो गया इस तरह से, ऐसे इसी तरह से हम लोग इंटरेक्टिव फील इसको बनाते हैं। एक दो बार आप इंटरेक्टिव फील का यूज करेंगे टूल का तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे फोटोशॉप में इरेजर काम करता है सेम उसी तरह से करता है, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक बार आपने इसको ड्रैग कर लिया तो ये दोबारा, जैसे कि हमने एक बार यहाँ से कर लिया, ठीक है, तो इतना यहाँ का गायब हो गया, लेकिन अगर दोबारा से इसको आप करना चाहेंगे उधर का ही, देखिए उधर का तो हो गया लेकिन यहाँ का बिगड़ गया। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पर तो इरेज करने के बाद में आपको बिटमैप कर लेना है, कन्वर्ट टू बिटमैप। कन्वर्ट टू बिटमैप जैसे करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो अब जो हम चलाएंगे इस टूल को इधर का भी हो जाएगा और इधर का भी हो गया है, ठीक है। तो समझ आ गया आपको, यानी एक बार इंटरेक्टिव फील को यूज करने के बाद आपको कन्वर्ट टू बिटमैप कर लेना है, तब आप दोबारा उसको यूज कर पाएंगे। अभी हम कंट्रोल जेड करते हैं इसको, और अब बात करते हैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये हमने गूगल से लिया था, ये वाला फॉन्ट AMS आदित्य इसका नाम होता है, लेकिन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, तो हमने ऐसे ही लिया था और उसको एक्सट्रैक्ट करने ठीक है। तो ये फॉन्ट एडिटेबल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कलर चेंज कर सकते हैं इस तरह से, और इसके अंदर प्लास्टिक का इफेक्ट लगाया है। तो प्लास्टिक इफेक्ट कैसे लगाते हैं पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, तो अभी हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो भी आप देख लें होली का, और उसमें आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा प्लास्टिक इफेक्ट आप कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ जो इसकी कॉपी है मैंने लगा दिया है सेम कॉपी, ये भी अलग है और ये भी अलग है, ठीक है, सेम कॉपी। और ये जो फॉन्ट यूज किया गया है राज फॉन्ट है, ये भी राज फॉन्ट है, और नीचे कुछ यहाँ पे स्टेटस लगाया गया है जो कि आप देख सकते हैं, आप कोई भी स्टेटस यहाँ पे लगा सकते हैं, और इस बैकग्राउंड पे हिंदी और इंग्लिश दोनों आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा बैकग्राउंड है। तो नीचे जो है आपको मिल जाता है व्हाट्सएप का आइकन, ये भी PNG है, और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर या जो भी है डाल सकते हैं व्हाट्सएप का, ये भी PNG इमेज है, इसमें भी शेडो लगाया गया है। तो इसमें शेडो कैसे लगाते हैं, तो पहले मैं इस शेडो को हम डिलीट कर देंगे, ये हमारा सिंपल PNG बचा हुआ है, ठीक है। तो PNG को क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप शेडो, और उसके बाद में इस पे हम क्लिक ड्रैग कर देंगे, ठीक है, हो गया। लेकिन अभी ये परफेक्ट नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाहर से इसको हम ड्रैग करेंगे,
से ब्रेक कर लिया और उसके बाद कंट्रोल के करेंगे, यानी कंट्रोल किसे क्या होता है, ब्रेक पार्ट। ठीक है, ब्रेक पार्ट होने के बाद में इसकी जो शैडो, जो शैडो है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, ये जो शैडो है वो अलग हो जाएगी कंट्रोल कैसे। ठीक, अलग हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये शैडो को नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और अब इसको हम उठा के यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा और ड्रैग करेंगे। देखिए इस वीडियो में आपने शैडो शैडो कैसे बनाते हैं, क्योंकि इमेज कोई भी टंगी हुई नहीं होना चाहिए, अगर जैसे यूज किया जाता है वैसे उसका प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा हम इसको इधर रख लेते हैं, इसमें सेट करेंगे। यहाँ से इसको हम सारा मैटर उठा लिया हूँ और यहाँ पे इसको रख दूंगा, लेफ्ट क्लिक करके डुप्लीकेट हो जाएगा। फोटो नहीं आई है तो फोटो भी हम यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए फोटो को मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे रख दिया। अब फोटो नीचे चली गई है, तो कंट्रोल प्लस पेज अप करते जाएंगे, पेज अप के बाद में वो इमेज ऊपर आ जाएगी। ठीक है, देखिए इमेज ऊपर आ गई है और अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे इसको एडिट कर लीजिए अगर आप नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि ये जो फाइल है आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है हमारी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप उसको एडिट कर सकते हैं हिसाब से। ठीक है, तो ये जो इसका फाइल का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके और अपने यूज में इसको ले सकते हैं। कोई भी अगर जानकारी आपको लेनी है वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स अब बारी है इसको सेव करने की, पहले एक इसको भी हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको यहाँ से रोटेट कर देते हैं इस तरह से, प्लस पेज अप, और उसके बाद में इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो सेव हो जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, बाहर से मैंने सिलेक्शन किया और कंट्रोल जी कर लिया, उसके बाद कंट्रोल ई करेंगे यानी अपलोड करेंगे इसको, और यहाँ से होली दे देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। एक विंडो यहाँ पे ओपन होगी, इसके अंदर आपको रेजोल्यूशन का ध्यान रखना है, ज़्यादा रेजोल्यूशन नहीं होना चाहिए, 200 या 250 होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे 300 है तो मैं इसको कर लेता हूँ 250। ये सोशल मीडिया के लिए बनाया है, प्रिंट के लिए अगर आप बना रहे हैं तो 400 300 तक भी रख सकते हैं CMYK में। ठीक है, तो जो फाइल है वो हमारी सेव हो रही है। विंडो प्लस डी करेंगे और जो हमने फाइल अभी सेव किया है वो डेस्कटॉप पे यहाँ पे आ चुकी है, तो इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ओके करेंगे।
पे हम डबल क्लिक करेंगे और ये जाएगी और देखते हैं कैसी बनी है। तो इस तरह से फाइल हमारी तैयार हो चुकी है एकदम HD क्वालिटी में। शुभकामनाएं का पोस्टर यहाँ पे रेडी हो चुका है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।